हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हो गया है संडे और आज हम लोग एक्चुअली अभी जा रहे हैं हम लोग मेरी वाइफ के मामा जी के घर पे। एक्चुअली वहाँ पे कुछ पूजा है तो हम सब वहाँ पे जा रहे हैं। बस सब रेडी हो रहे हैं अभी। एंड लिफ्ट अच्छा रहा, मतलब ये वीक मेरे से लिफ्ट सिर्फ वेनसडे को आधा दिन, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हुआ। आज भी छुट्टी होगी लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट आई थिंक 850-900 जैसा बन गया अपना। और पूरा वीडियो आज देखेगा तो वहाँ पे पूजा वगैरह भी दिखाएंगे। उनका घर पूरा तो नहीं देख पाए क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पे, फिर भी देखेंगे उनका। वो लोग इलिनॉइस में रहते हैं तो हम लोग इलिनॉइस शिकागो जा रहे हैं, नहीं शिकागो नहीं, इंजिन बोलते हैं आई थिंक, इंजिन इलिनॉइस में जा रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं और दिखाएंगे, ट्राई करूँगा सब कुछ आपको दिखाएंगे, क्या पूजा वगैरह होती है क्या है वो। और बाद में वीडियो के एंड में एक और बात आपसे शेयर करूँगा, कुछ अलग करने का सोचा है तो वो आपसे शेयर करूँगा। और एक और अपडेट थी कि अपनी जो शेवी गाड़ी है, शेवीलेट जो मैंने ली थी सिडान, वो फाइनली उतर चुकी है मैदान में। मतलब मैंने लिफ्ट उस पर चालू कर दिया, मेरा रजिस्ट्रेशन आ गया तो कल से ही जस्ट मैंने स्टार्ट किया। पहला दिन था कल, उसका अच्छे से घुमाया, अभी मैं पूरा कम्प्लीटली उसको घिसूंगा। बड़ी गाड़ी में SUV में क्या था कि मैं थोड़ा सोच के चलाता था, मतलब कोई बड़ी राइड आती थी तो मैं नहीं लेता था क्योंकि उसका माइल्स ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी इसको मैं कम्प्लीटली घिसूंगा तो देखेंगे कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं मेरे इसके ऊपर, मतलब इनकम के ऊपर। और दूसरे इनकम के लिए कुछ और सोचा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो पूरा वीडियो देखेगा। ये छोटू को रेडी कर रहे, वाइफ रेडी हो चुकी है, हाय पूजा। और दूसरा यहाँ पे है, उसकी ये छुट्टी है, सैटरडे छुट्टी है स्कूल की। ये मम्मी अपनी ये गाड़ी रेडी, अभी ये गाड़ी पूरी फैमिली गाड़ी रहेगी और देखते हैं कितने तक रहेगी, कब तक रहेगी, कुछ अलग सोचा है मैंने, बाद में आपको बोलता हूँ। दूसरी दोनों गाड़ी गैराज के अंदर डाल दी ताकि बाहर ना रहे यहाँ पे। और आज बहुत ही अच्छा वेदर है, मतलब आज 70 फ़ारेनहाइट होगा आज टेम्परेचर, तो बहुत ही अच्छा गर्मी का टाइम है अभी, मतलब टाइम आज के दिन। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है टेम्परेचर बदल रहा है, कल रात को ऐसे एकदम ठंडी ऐसा हो गया था, आज वापस एकदम गर्मी है, तो यहाँ पे टेम्परेचर का कोई भरोसा नहीं है। घास वापस बढ़ रहे हैं, ये वेनसडे को काटना पड़ेगा। और गाइस तो थोड़ा स्टॉप लिया है यहाँ पे, हमारे घर से थोड़ा दूर पे ही है 7-Eleven और मैं रेड बुल लिया थोड़ी क्योंकि कल रात को लेट सोया था लिफ्ट करने के बाद, तो अभी थोड़ा नींद जैसा लग रहा है और 1.5 घंटा ड्राइव करना है। और ये लोग की पिज़्ज़ा पार्टी चल रही है, अंदर पिज़्ज़ा के ऐसे स्लाइस मिलते हैं एक एक, तो वो चल रहा है। जैसे आपको पता है 7-Eleven में अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन फिर भी अगर कोई मुझे पूछेगा मेरा फेवरेट स्टोर कौन सा है तो विस्कॉन्सिन में ही आई थिंक है क्विक ट्रिप करके नाम है, ये वाले स्टोर के अंदर मतलब सब कुछ है, चाय नाश्ता के साथ जो हम लोग ब्रेड टोस्टेड ब्रेड विद चीज़ खाते हैं, चिकन बर्गर मिल जाएगा अंदर सारे, मतलब गरम गरम, मतलब खाने के लिए ऐसे पिज़्ज़ा के स्लाइसिस, होल चिकन भी पूरी मिलती है खानी है तो, चिप्स वगैरह मिलती है अंदर, थिक शेक के मशीन्स हैं, फ्रूट शेक के मशीन्स हैं, मतलब सब कुछ अंदर है, सब कुछ वन स्टॉप, तो वो स्टोर मुझे बहुत पसंद है। अभी तो बस ये पहले वाले घर के पास हमारे पास कोई 7-Eleven नहीं था, अभी ये नया जो घर हम लोग आया तो हमारे घर से थोड़े बस 1-2 माइल की दूरी पे ये 7-Eleven है, तो बस अभी कंटिन्यू सीधा मामा जी के घर पे। राइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं इलिनॉइस और ये जो देख रहे हो आप सामने ये मेरी वाइफ के मामा जी का घर है। पूरी सोसाइटी है, मतलब आमने सामने सब घर ही घर है। बस अभी हम अंदर जा रहे हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये चालू हो चुका है पूजा वगैरह, अभी सब गरबा जैसा कुछ कर रहे हैं ये लोग। और मैंने वॉल्यूम एक्चुअली वॉइस बहुत स्लो कर दिया है क्योंकि शायद कॉपीराइट नहीं आ जाए, अगर वॉल्यूम बिल्कुल सुन नहीं देगा तो समझ लेना कि कॉपीराइट आ गया था, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। और बस अभी तो ये सब इनका चलेगा, थोड़ा पूजा वूजा चलेगा अभी तो, ये मेरे मामा मेरी वाइफ की, मतलब जो मामा जी की लड़की और उसका जमाई है वो पूजा में बैठेंगे। ये अभी वापस ये लोग गरबा स्टार्ट किया, ये लोग
गरबा करेंगे और इसके बाद होगा बाहर की तरफ खाना। तो ये जो जहाँ पे लोग कर रहे हैं इनके घर का हॉल है, मतलब टीवी वगैरह सोफा वगैरह थोड़ा पीछे हटा दिया है, तो ये पूरा हॉल है इनका अंदर। और दूसरी तरफ इनका किचन भी है इस तरफ, जैसे आप देखेंगे ये पूरा किचन और डाइनिंग एरिया हो गया। और ये आगे वापस एक हॉल है एंट्रेंस में, मतलब वेटिंग लॉन्च बोल सकते हैं, हॉल बोल सकते हैं। और राइट साइड पे एक और रूम है, वैसे ऊपर भी है, ये भी आई थिंक चार एक बेडरूम का आई थिंक उनका घर है। ये बाहर अभी अभी हम लोग आ गए बाहर, यहाँ पे खाना वगैरह रेडी हो रहा है, ऑलमोस्ट मतलब रेडी है, रेडी लाए थे, अभी चालू होगा खाना। ये बाहर का इनका व्यू है, पूरी सोसाइटी है, मतलब बाजू बाजू में सब घर ही है और एक ही साथ में पूरा ये गार्डन है। मतलब वो लोग आके मेंटेनेंस वगैरह भी करते हैं, मतलब मंथली कुछ पे करना होगा इनको, पर ये पूरी एक सोसाइटी है। सामने सब आगे सबका पिछवाड़ा है, मतलब घर के पूरे पीछे का पार्ट है सबका ही, जितने भी घर दिख रहे हैं सबका बैक यार्ड है। और साथ में इधर लेक भी है इनके घर के नज़दीक में, तो काफ़ी अच्छा व्यू है। ये बच्चों के लिए खेलने का भी रखा हुआ है। और दोस्तों तो यहाँ का हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ, खाना वाना हो गया। एक्चुअली दोपहर के आई थिंक 3 बज चुके, 3:30 हो चुके, 3:30 हम लोग बस यहाँ से अभी निकल रहे, घर जा रहे। और बाद में मैं आपको बताता हूँ घर पे जाके कि मैं और क्या प्लानिंग कर रहा हूँ, मतलब सोच रहा हूँ, तो आप बताइएगा मुझे। फिलहाल घर पे जाके पहले बात करता हूँ, तो यहाँ से निकलता हूँ। ये देखिए सब चले गए अभी यहाँ पे, चलो हम भी निकल रहे, अभी घर जा रहे हैं। हेलो गाइस, तो मैं आ चुका हूँ, हम लोग आ चुके हैं, मतलब मैं तो घर से निकल भी गया आने के बाद। एक्चुअली सोचा कि चलो अभी 6:30 आई थिंक, तो सोचा कि घर पे क्या करूँगा, लेटे रहूँगा, उससे अच्छा लिफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आज हुआ नहीं मेरा। और ये वीक में भी क्या हो गया था, मेरा मंडे ट्यूसडे को लिफ्ट नहीं हुआ था, क्योंकि वो गाड़ी का ही मेरा प्रॉब्लम था, मतलब गाड़ी को उधर देना था चेकिंग करने के लिए, लोग को फॉल्ट मिल गया, ट्रांसमिशन या इंजन वगैरह कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ पार्ट पता नहीं, कोई एक पार्ट का प्रॉब्लम है। तो कल सिर्फ गाड़ी देने जाना है उधर, वो लोग पार्ट फिट कर देंगे, वारंटी के अंदर है, तो वो हो जाएगा। तो प्रॉब्लम तब क्या था मंडे और ट्यूसडे को, कि मेरी ये गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आया नहीं था, इसलिए मैं लिफ्ट कुछ कर नहीं पाया, सिर्फ उबर वगैरह ही कर पाया, अरे नॉट उबर, क्या बोलते हैं, डोडैश वगैरह ही कर पाया, उसमें इतना बना नहीं, मैं भी कंटाल गया, इसलिए बाद में मैं किया नहीं था। और सिर्फ वेनसडे को थोड़ा किया था जब गाड़ी आ गया, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, बस ये 4 दिन ही किया, और 3.5 दिन ही किया, वेनसडे को पूरा नहीं किया था मैंने, तो 3.5 दिन ही किया। आज भी नहीं हुआ, आज गए थे वो फंक्शन के अंदर हम लोग, तो फिर भी लेकिन 850 तो मेरे बन चुके हैं। सोचा अभी देखता हूँ रात तक करता हूँ, शायद कुछ 100-150 बन जाए, तो 900-1000 के आसपास थोड़ा बहुत हो जाए, 950-1000, तो एक अच्छा एवरेज हो जाएगा। और दूसरा जो मैं आपसे बात करने वाला था, जो मैंने कहा था कि वीडियो के एंड में बताऊंगा, एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कुछ अपना करने का, खुद का, मतलब कोई दुकान वुकान नहीं, कोई गैस स्टेशन वगैरह नहीं, क्योंकि बहुत सारे पैसे चाहिए और हेल्प चाहिए उसके अंदर, ऐसा नहीं होता स्टार्ट। और लेकिन मैं जो करने का सोच रहा हूँ, अगर पूरा सुनने के बाद अगर कोई USA से देख रहा है और वो कोई कर रहा है ये ऑलरेडी बिजनेस, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कैसा होता है क्या होता है। और किसी ने मुझे सजेस्ट भी किया था कुछ, आई थिंक क्या आप ये करो करके, कुछ आई थिंक ट्रक का आई थिंक होगा, तो ट्रक में आई थिंक भाई क्या है कि मेरे को एक तो आता नहीं इतना बड़ा ट्रक, मैंने कभी चलाया नहीं इतना बड़ा वाला ट्रक, और उसके वापस वो ट्रेन सीखने जाओ, लाइसेंस वगैरह करो, वो भी थोड़ा लंबा काम हो जाता है। और मुझे ट्रक वगैरह में इतना भी इंटरेस्ट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। और ट्रक की भी सैलरी मतलब होती तो है, ट्रक के अंदर मैं काम करूँ अगर चलाऊँ वगैरह सीख भी लूँ, तो अगर जॉब करता हूँ तो उसमें वही $6,000-7,000 बन जाते हैं, वो तो मैं इसमें आराम से बना सकता हूँ ये लिफ्ट उबर करके भी, अगर मैं इतना मेहनत करूँ। प्लस वो सब मैं आपको घर के बाहर ज़्यादा रहना पड़ता है, 2-2 दिन ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ। लेकिन जो मैं करने का सोच रहा हूँ वो है अपना मिनी कार्गो वैन जो आती है, उसका बिजनेस करने का सोच रहा हूँ, मतलब बेचने का नहीं, मिनी वैन बाय कर लूँ, जैसे कि दिखाता हूँ आपको। देखो ये मेरी गाड़ी के आगे कैसी खड़ी है मिनी वैन, ये छोटी सी डब्बे ऐसी होती है, पीछे से ये खुल जाता है और पूरा अंदर 2 ही सीट होती है आगे की तरफ और पूरा खाली होता है अंदर, तो ऐसी वाली।
तो ये मिनी वैन क्या होती है, इसका भी यहाँ पे अच्छा एक होता है, लेकिन आप इसको क्या आप जॉब नहीं बोल सकते और पार्ट टाइम भी नहीं कर सकते, आपको क्या है कि आपको एज अ बिजनेस ओनर आपको LLC वगैरह अप्लाई करना होता है, जैसे कि आप कंपनी का नाम सुना होगा ना आई थिंक, पता नहीं मुझे भी पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ का, मैंने कभी किया नहीं है। तो जैसे आपका जैसे विकास LLC करके बोलते हैं कंपनी, एंटरप्राइज कैसे होती है LLC, तो वैसे मुझे LLC पहले अप्लाई करना होगा, तो पूरा एक पूरा बिजनेस ही होगा ये। तो वैन लेने के बाद क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी समझ लो या इलेक्ट्रिकल की कंपनी समझ लो, तो वो लोग को क्या होता है कई बार माल डिलीवरी करना होता है, शिप करना होता है, या तो कोई बड़ी बड़ी कंपनी होती है जैसे उसके पूरा वो लोग का पैलेट ही रेडी होता है, तो फोर्कलिफ्ट से खाली अपने वैन के अंदर पैलेट रख देंगे और हमको शायद दूसरे स्टेट में या कहीं पे डिलीवरी करनी होती है, दूसरा स्टेट मतलब 1 घंटे का ड्राइव है 2 घंटे का ड्राइव, और वहां पे जाके वो लोग ही फोर्कलिफ्ट से वापस सामान उतार देंगे, हमको सिर्फ ड्राइव करके उधर छोड़ना होता है। और वो चीज़ के अपने को सीधा ही अगर 2 घंटे का ड्राइव होगा तो $300-$400 का ट्रिप होता है, वो तो $300 जैसा मिल जाता है। और आधे घंटे का अगर काम होता है तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये लिफ्ट का ही सोचूं कि आधे घंटे में किसी को ड्रॉप करने जा रहा हूँ, तो उसमें मेरे को आई थिंक 25, अगर बोनस चल रहा होगा तो $30 मिलेंगे, वही चीज़ इसके अंदर डबल या ट्रिपल हो जाएगी, $70 से $90 मिलेंगे वही आधे घंटे की ड्राइव, पेट्रोल सेम जाएगा, इसकी शायद एवरेज छोड़ो $4-1 कम होगी, इसमें शायद 10 का पेट्रोल जाएगा तो शायद वो वैन के अंदर 20 का जाएगा, लेकिन मिलेगा 3 गुना। और बड़ी ट्रिप ऐसे मिल गई 2 घंटे वाली, तो सीधा मतलब एक ही ट्रिप के अंदर जो मैं इसमें कमाऊंगा वो मेरे को उसमें मिल जाएगा, एक ही ट्रिप के अंदर 2 घंटे जाने का 2 घंटे आने का 4 घंटे के अंदर, अगर ऐसे 2 ही ट्रिप मिल गए तो दिन का 600 हो गया। तो इसमें कई बार बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है जिसको रिक्वायरमेंट होती है ऐसे मिनी वैन की, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो कि भाई वो बोलेगा शायद आपको कि मेरा तो हर 2 दिन में ऐसा होता ही है शिपमेंट, आपको फिक्स कर दो या आना होगा आपका इतना फिक्स हो जाएगा मंथली, तो वैसा भी होता है मैंने सुना है। मैंने अभी पूरा मेरे को पूरा मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं करने ही वाला हूँ, पहले मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा यहाँ पे, मैं जहाँ पे जो सिटी में रहता हूँ वहाँ पे उतना बिजी है कि नहीं ये चीज़, वो मुझे भी पता करना पड़ेगा, मुझे पता नहीं है वो चीज़। लेकिन ये मैंने कहीं बहुत सारे वीडियोस में वगैरह में मैं देखा, तो मैंने सोचा ये करने जैसा है, मतलब सेम काम है जैसे उबर जैसा ही है, बस इसमें सामान आपको पहुंचाना इधर से उधर, इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी सामान हो गया, मेडिकल कोई भी सामान हो गया, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी कंपनियों के पास ऐसी मिनी वैन होती है लेकिन फिर भी वो लोग को कम पड़ती है, इतना बिजी होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अमेजोन इतने सारे उनके पास ट्रक्स होंगे फिर भी अमेजोन यहाँ पे अमेजोन फ्लैक्स चलाता है, मतलब लोगों को बोलता है आपके पास अगर ऐसी कोई बड़ी गाड़ी है तो आओ डिलीवरी ले जाओ, आपको पर घंटे $20-25 हम दे देंगे, आप डिलीवरी करो, इतनी सारी ट्रक्स होगी फिर भी वो लोग डिलीवरी करवाते लोगों से, वो भी जॉब है वहाँ पे अमेजोन पे। तो वैसी काफी बड़ी बड़ी कंपनियां है जिसकी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, तो बताइएगा, ये सोच रहा हूं मैं करने का, तो अगर कोई करता हो और आपको भी बताना आपको कैसा लगा ये आइडिया मेरा। तो फिलहाल तो बस अभी मैं लिफ्ट स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ 1000 टच कर पाता हूँ कि नहीं, एटलीस्ट 950 तक तो मुझे पहुँचना है आज रात को। तो ये वीडियो को मैं आज यही ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, ठीक है गाइज़।